नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। बाबा सिद्दीकी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई का खूनी कनेक्शन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में करीब 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में हरियाणा से गुरमेल, यूपी से धर्मराज और पुणे से प्रवीण सोनकर का नाम शामिल है। तीनों आरोपियों के अलावा यूपी के शिव, पंजाब के जीशान अख्तर और शुभम सोनकर की तलाश जारी है। वही नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। एनआईए ने गैंगस्टर टेरर केस में कुछ दिनों पहले ही यूएपीए के तहत अदालत में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत करीब 16 गैंगस्टर्स के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके साथ ही केस में एनआईए ने दिल्ली की अदालत में बिश्नोई गैंग के खिलाफ चार्जशीट दायर कर कई बड़े खुलासे भी किए हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम से की, डी कंपनी से की है। केंद्रीय एजेंसी ने चार्जशीट में बताया है कि देश में लॉरेंस बिश्नोई का टेरर गंभीर रूप से फैल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके अलावा एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं और जय बलाकारी उसकी गैंग का नारा है। इनमें 300 से करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हुए हैं। कोर्ट आते आते लॉरेंस बिश्नोई का फोटो सोशल मीडिया पर डाला गया, जिससे गैंग का प्रचार तेज हो गया। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई गैंग ने साल 2020 से 21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और वो पैसे हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बरार के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ कर एक बड़ा गैंग बना लिया। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जब पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में फैल चुकी है। नौजवानों को सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीके से गैंग में रिक्रूट किया जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट के मुताबिक नौजवानों को कनाडा या उनके मनचाहे देश में भेजने का लालच देकर बिश्नोई गैंग में रिक्रूट किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का जीवन अपराध और हिंसा से भरा हुआ है। वो एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट से लेकर भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर के रूप में जाने जाते हैं। उनका गिरोह आज भी सक्रिय है और भारतीय कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उनकी गिरफ्तारी और जेल में बंद होने के बावजूद उनका आपराधिक नेटवर्क देश और विदेश दोनों जगह सक्रिय है, जो साबित करता है कि वो जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका है।